सर गुजरात गैस की तरफ अगर हम देखें तो किस तरीके का दिखेगा और लेवल्स किस तरीके के रहेंगे? 499 500 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है एंड फिलहाल मैं बोलूंगा इस स्टॉक से दूर रहने के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, पहले से अगर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो मैं बोलूंगा आप होल्ड करो, बिकॉज ये स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा। फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है तो ये स्टॉक मुझे नीचे कहीं ना कहीं 463 या इवन 450 तक भी गिरता हुआ दिख रहा है। सो 450 तक का लेवल साइज इसके अंदर में आ जाए, जो कि एक कहीं ना कहीं एक जिस अगस्त महीने का एक सपोर्ट भी था, इसका बॉटम फॉर्मेशन भी था अगस्त महीने का 445 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि 451 टू 463 का लेवल एक बार आ सकता है। तो फ्रेश एंट्री तो आप उसी जगह पर ले फिलहाल के लिए और ये आ जाएगा नीचे में। जिस हिसाब से इसकी रैली चल रही है, एक रिफ्रेशमेंट रैली, ये रैली फिलहाल अभी कंटिन्यू रहेगी, इसमें बदलाव नहीं आ रहा है फिलहाल तो नेक्स्ट 15-20 दिन के लिए। तो उस बीच में इस 15 दिन के अंदर में मुझे लग रहा है 463-452 तक का लेवल आ जाएगा।